यह आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस ट्रेनर। ये जो हमने नई सीरीज शुरू करी है ना, जेकर वाइडिया सीरीज, ये जेकर वाइडिया सीरीज में मैं आज लेने जा रहा हूँ गारमेंट इंडस्ट्री। अगर आपने भी इन आइडियाज को इंप्लीमेंट किया, आपके भी बिजनेस में जेकर यानी कि जो ग्रोथ का कर्व होता है आपको मिलेगा। और ये आज की केस स्टडी, ठीक पढ़ा आपने, कम लागत में करोड़ों कैसे कमाए, इसके अंदर मैं केस स्टडी में ले रहा हूं अपने ही लीडरशिप फनल के पार्टिसिपेंट मोहित और मुकुल, जो आए थे अपने पिता और चाचा गोपाल जी और संजीव के साथ। इनकी हमने बिजनेस कोचिंग भी करी और इन्होंने लीडरशिप फनल भी अटेंड किया। ये केस स्टडी में 5 पॉइंट लेता हूं, पूरे 5ों लास्ट तक देखिए और आगे पीछे वीडियो को जरूर घुमा के देखिए। पहला पॉइंट मैं ले रहा हूं एसेट लाइट मॉडल। ये बड़े कमाल का मॉडल है, जरा इसको ध्यान दीजिएगा, आपको समझ आ गया, गेम चेंज कर देंगे। सुना था ना आपने कि कम पूंजी में व्यापार बड़ा कैसे करें, जे कर्व। एसेट ज्यादा खरीदने की जरूरत ही नहीं, लाइट हल्का रखो, हल्का एसेट। क्या पहला एसेट क्या चाहिए कपड़ों की फैक्ट्री के लिए? आपको पहले जमीन चाहिए, लैंड, लैंड के बाद अब आपको फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, बिल्डिंग बनानी पड़ेगी उसकी। फैक्ट्री बिल्डिंग बना दी तो तीसरा आप क्या चाहिए बनाने के लिए? मशीन चाहिए। और मशीन आ गई तो मशीन पर काम करने के लिए मैन पावर चाहिए। अब मैन पावर, अब मशीन पर मैन पावर काम कर रही है तो इन सबको मेंटेन भी तो करना है। अगर इसको नहीं किया, इसको बोलेंगे एसेट लाइट मॉडल। क्या मतलब हुआ इसका? इन्होंने पूरे बिजनेस को दे दिया जॉब वर्क पे। सुनिएगा, लास्ट कूट ना तो कपड़े बनाता है ना कपड़े बेचता है, तो ये क्या करता है? नोट छापता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, कम ऑन, लास्ट कूट कपड़े बनवाता है जॉब वर्क पे, क्वालिटी कंट्रोल अपने पास रखता है। जैसे एप्पल, एप्पल अपना मोबाइल नहीं बनाता, फ्लाई लाइट। ऐसे ही कोका कोला अपनी कोल्ड ड्रिंक की बोतल नहीं बनाता, फ्लाई लाइट। ऐसे ही फेसबुक अपना कॉन्टेंट नहीं लिखता, फ्लाई लाइट। Uber, एक भी टैक्सी नहीं खरीदता, फ्लाई लाइट। ऐसे ही लास्ट कूड एक भी ड्रेस नहीं बनाता, एक भी कपड़ा नहीं बनाता, दूसरों से बनवाता है, फ्लाई लाइट। उसके बाद खुद नहीं बेचता, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर बेचता है, फ्लाई लाइट। अब मुकुल, उसके भाई और उसके फादर ने लीडरशिप फनल के बाद अपनी फैक्ट्री बंद कर दी। अब समझ रहे हैं ना मेरी बात को? इसका माल लेके उस तक पहुंचवा दिया और ब्रांड अपना बना दिया। इसे क्या बोलते हैं? फ्लाई लाइट। हाँ देखो, आज अगर मेरे पास 1000 मशीनें है, मेरे वेंडर के पास, मेरे पास इलास्टिसिटी है, मैं 25 वेंडर और पकड़ के 1000 से 10000 मशीन पे पहुंच जाऊं, 1 लाख मशीन पे पहुंच जाऊं, मेरी सरदर्दी खत्म। क्यों? क्योंकि मुझे दोबारा फैक्ट्री नहीं खोलनी, केपेक्स इन्वॉल्व नहीं है ना। केपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं एसेट लाइट। मेरे को जल्द जिस दिन बड़ा करना है, इलास्टिसिटी है, जब मन करे बड़ा किया, जब मन करे छोटा किया। सीजन ऑफ हो गया, छोटा कर दिया, सीजन आ गया, ओए होए बड़ा कर दिया। तो इसमें ये क्या करते हैं, कपड़े का फैब्रिक इसको दे देते हैं, भैया ये पकड़ फैब्रिक, ऐसा बनना चाहिए, ये सैंपल देख रहा है ना, सैंपल, हाँ ऐसा बनना चाहिए, मेरे को ऐसा सूट चाहिए, ये सैंपल है, ये बटन है, काज ऐसे बनेगा, सिलाई ऐसे होगी, धागा ऐसे होगा, इस कवर में डाल के दे दो, हैंगर ऐसा लगेगा, डिजाइन प्रिंटिंग, बार कोड, स्कैनर, सब कुछ दे दिया। अब तू बना के दे मुझे फटाफट से। अब वो मेहनत करेगा, वो उसके इनके हिसाब से बना के, क्वालिटी कंट्रोल में आ गई। अब कटिंग के लेवल पे चेक हो रहा है, एम्ब्रॉयडरी के लेवल पे चेक हो रहा है, प्रिंटिंग के लेवल पे चेक हो रहा है, स्टिचिंग, काज, बटन, वॉशिंग, फिनिशिंग से लेके डिस्पैचिंग तक हर लेवल पे चेक किया जा रहा है। और दूसरा पॉइंट है क्वालिटी सिक्योर्स योर फ्यूचर। इमेजिन करो, शादी का माहौल है और सारे बाराती घोड़ी के आगे नाच रहे हैं और नाचते 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 वहीं पे ही दूल्हे का बाजू फट गया, उधर के निकल आया। एक बार उधर के निकल आया, कितनी बेइज्जती होगी जी, अपनी इज्जत छुपाकर फिरेगा देखेगा। या फिर नाचते नाचते पसीने में भीग गया और जब कोट उतारा तो शर्ट के ऊपर कोट का रंग आ गया, इतनी इज्जत खराब हो जाएगी, इधर उधर भागता पड़ेगा नए कपड़े लेने के लिए। इसके लिए ना 5 टेस्ट बड़े जरूरी है, ये सुनो आपके बड़े काम आएंगे। अगर आप कपड़े खरीदते हैं ना, इनको सुनिएगा, आपके सामने भी सामने वाले ब्रांड की पोल खुलने वाली है। पहला टेस्ट है कलर ब्लीडिंग टेस्ट। ये कलर ब्लीडिंग क्या है? रंग उतरने लगता है, ब्लीडिंग मतलब जैसे खून निकलता है ऐसे ही रंग भी निकलता है कपड़े का, कलर ब्लीडिंग, ब्लीडिंग निकलता है। ऐसे ही सुनिए जरा ध्यान से, ये क्या करते हैं, 60 डिग्री टेम्परेचर पे 60 मिनट के लिए एक कपड़े को गर्म पानी में उबलने के लिए डाल देंगे। अब लाल रंग का कपड़ा गर्म पानी में उबलने के लिए 60 डिग्री टेम्परेचर पर 60 मिनट के लिए डाल दिया, 60 मिनट के बाद बाहर निकालो, देखो पानी का रंग बदला कि नहीं बदला। अगर तो बदल गया, कपड़ा रिजेक्टेड, और अगर नहीं बदला, कपड़ा सिलेक्टेड। इसको बोलते हैं कलर ब्लीडिंग टेस्ट। दूसरा पॉइंट है श्रिंकेज। देखो क्या होता है, कई दफा ना आपने कपड़े लिए, उसके बाद धोए, उसको वॉशिंग मशीन में डाले, अब पहनने की कोशिश कर रहे हो, कोट अंदर चढ़ ही नहीं रहा, आपको अंदर घुस ही नहीं रहा बेचारा, क्या साइज छोटा हो जाता। डायमेंशन स्टेबिलिटी टेस्ट में वो डायमेंशन देख लेंगे, 2 मीटर बाय 2 मीटर का इसका डायमेंशन है, चारों तरफ से इसको नाप लिया, उसके बाद वॉशिंग मशीन में आधे घंटे के लिए धो लिया, धोने के बाद फिर से नाप लो कि 2 मीटर बाय 2 मीटर है, घट रहा है कि बढ़ रहा है कि उत्ते का उत्ता है, इससे ना क्वालिटी कंट्रोल में आ गई। तीसरा है पिलिंग। पिलिंग मतलब क्या होता है, सुना ना आपने, रोया, रुआ, बुर। जो लल्लू लाल कपड़े वाला है ना,
वो कभी भी फैब्रिक के रॉ मटेरियल फैब्रिक पे ध्यान नहीं देगा कि इस पे रोआ या बुर या आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अब लास्ट कूट ने क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या किया, पहले ही फैब्रिक का पीलिंग टेस्ट, उसकी एक मशीन आती है जिससे आप पीलिंग टेस्ट करके पहले चेक कर लो अरे इसमें रुआ रुआ बुर कुछ आएगा कि नहीं आएगा। अगला पॉइंट स्लिपेज, इसमें कपड़े दो प्रकार के होते हैं, लो थ्रेड काउंट के और हाई थ्रेड काउंट के, ये पहले ही चेक कर लेना चाहिए। लो थ्रेड काउंट का कपड़ा बाद में चिर जाता है, देखा आपने, सिलाई से उधड़ जाता है, या तो कपड़ा चिरेगा या सिलाई से उधड़ेगा, दो ही जगह से जाता है, तो कपड़ा बीच में चिरेगा या जहां से सिलाई कर रखी है वहां से उधड़ जाएगा। देखिए इसमें ना जो लल्लू लाल है वो सिंगल नीडिंग मशीन से काम करता है, सिंगल नीडल मशीन समझते हैं, एक बार से धागा घुमा के लगा दिया, वो मैनुअल काम हो गया। लेकिन लास्ट कूट या अच्छा ब्रांड क्या करेगा, वो उसके लिए आपको डबल नीडल मशीन और चेन स्टिच मतलब आपस में घूम घूम के वापस। अब वो स्लिप पे चिरेगा नहीं जी। आप लोग कपड़े खरीदते हैं ना, आपको भी बड़ा फायदा होगा उसको समझने में। आपने देखा कभी कभी ना कॉलर पे या कफ्स पे थोड़े बबल्स बन जाते हैं, थोड़ा फूल जाता है, थोड़े यहाँ पे ना गैप्स आ जाते हैं इसके ऊपर। अमूमन दर्जी होता है वो ऑर्डिनरी प्रेस से कपड़े को बाद में रेडी करके आपको देता है, लेकिन इंडस्ट्रियल फ्यूजिंग मशीन आती है, जब उसकी पेस्टिंग होती है इसकी, इनकी पेस्टिंग होने के बाद वो कभी बाहर उसमें गैप नहीं आएगा, वो कभी फूलेगा नहीं, उसमें कभी सूजन यहाँ पे नहीं आएगा। इंडस्ट्रियल फ्यूजिंग मशीन होने से देखो आज अगर आपका कपड़ा ठीक लग रहा है, जरूरी नहीं है कि आगे भी ठीक लगेगा। ये था मेरा दूसरा पॉइंट। और अब तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन इनोवेशन। अब क्या है जी, मैंने माल तो बनवा लिया इन सबसे, अब मुझे इन सबसे बिकवाना है, इनसे बनवा के इनसे कैसे बिकवाऊं, अब यहां से लेके वहां बेचने वाले भी मोटिवेट हो जाएं और दबा के बेचे ताकि मैं आगे बढ़ता जाऊं। देखो इसके अंदर में मुकुल मोहित और इनके पापा चाचा गोपाल जी और इनके भाई साहब, इनकी खुल के तारीफ करूंगा। इनकी इंटेलिजेंस क्या है, ये मेरा वीडियो देखते हैं, लीडरशिप फनल में आते हैं, कोचिंग में आते हैं और इंप्लीमेंट कर जाते हैं। इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के वीडियो देखे, एक बार ध्यान दीजिए, इन्होंने वो इनोवेशन ला के दिए, एक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट गांधीनगर, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कपड़े की, उस मंडी के अंदर इन्होंने इतना ऑर्गेनाइज कर दिया अपने डिस्ट्रीब्यूशन इनोवेशन को। आप ध्यान से सुनिएगा, डिस्ट्रीब्यूटर की बर्निंग प्रॉब्लम क्या है, वो माल स्टॉक नहीं कर पाता है। डिस्ट्रीब्यूटर की बर्निंग प्रॉब्लम क्या है, उसका बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। उसकी बर्निंग प्रॉब्लम क्या, उसको बड़ा वेयर हाउस मेंटेन करना है। हाँ जी डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहा, हाँ बोल रहा हूं। ओ जी आपको 10,000 कपड़े भेज दिए, वो कार रखूं, जगह ही नहीं। ये डिस्ट्रीब्यूटर की प्रॉब्लम थी। उसकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया, जरा एक एक करके सुनिए, थोड़ा सा स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा, आपको दिमाग खुल जाएगा, मजा आएगा। इमेजिन करिए लास्ट कूट दिल्ली में बैठा है और दिल्ली में उनका यूपी के अंदर लखनऊ में डिस्ट्रीब्यूटर है। लखनऊ से फोन आया, लास्ट कूट से बोल रहे हो, हाँ जी बोल रहा हूं, जरा जल्दी जल्दी कपड़े भेजो, मेरे को मेरठ पहुंचाने हैं। अब लास्ट कूट दिल्ली से पहले लखनऊ में कपड़े पहुंचाता है, उसके बाद ये लखनऊ से वापस मेरठ में पहुंचाता है। अब दिल्ली मेरठ आजू बाजू, लेकिन इसने यहां पहले मंगाया फिर वहां भेजा, कितना टाइम एक्स्ट्रा लगा, कितना ताकत एक्स्ट्रा लगी, कितना पैसा एक्स्ट्रा लगा और इतना झंझट से अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूटर का नेट मार्जिन कम, नेट प्रॉफिट कम। इसने कहा अरे डिस्ट्रीब्यूटर भाई एक काम कर, तू ऑपरेशंस के चक्कर में मत घूम, तू खाली सेल्स बड़ी कर, मैंने पीछे लॉजिस्टिक सप्लाई चेन रोबस्ट कर लिया है, ईआरपी लगा के मैं सीधा माल पहुंचा दूंगा दिल्ली से मेरठ, पहले दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से मेरठ, ये था ट्रेडिशनल तरीका, और अब सीधा दिल्ली से मेरठ, ये है लास्ट कूट का तरीका। ये क्या करते हैं जी, सुनिए ये क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भाई तू तो पांव फैला के लेट, तेरे को कहीं टेंशन लेना है, तेरे को डेड स्टॉक नहीं भरना, तेरे को अपनी जगह पे माल नहीं भरना, तेरे को बड़े बड़े वेयर हाउस नहीं लेने, सीधा माल मैन्युफैक्चरर से रिटेलर पे पहुंचेगा, तू खाली जाकर के ऑर्डर ले पेमेंट कलेक्ट कर। अब पहले बड़े बड़े ऑर्डर देने पड़ते थे, अब क्या हुआ जी, रिटेलर को 4 पीस सूट चाहिए, उसके लिए भी फोन कर देगा, हाँ जी लास्ट कूट से बोल रहा हूं, हाँ जी बोल रहा हूं, और मैं मेरठ से बोल रहा था, 4 पीस ही चाहिए, भेज देते हो क्या 4 पीस, चिंता क्यों करते हैं सर, 4 पीस भी पहुंच जाएंगे, सीधा 4 पीस उनके पास पहुंच गए। ट्रेडिशनल तरीके में अगर रिटेलर को 1 हफ्ते में कपड़ा चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर कहता है 1 महीने में मिलेगा, रिटेलर कहता है अगले हफ्ते चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर कहता है 1 महीना लग ही जाएगा। लेकिन लास्ट कूट का तरीका अलग है, लास्ट कूट कहता है 1 हफ्ते में तो छोड़ो, 24 घंटे में आपको मिलेगा। तो ये जो है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन का इनोवेशन, ये टेक्नोलॉजी एनेबल करने से, मोबाइल ऐप बनाने से, ईआरपी के सॉल्यूशंस बिल्ड करने से, सप्लाई चेन को साथ में लेने से, कोरियर के अच्छे डिलीवरी मैकेनिज्म बिल्ड करने से, बीच के सारे झंझट खत्म, उससे कॉस्ट बड़ी आती थी। अब हुआ क्या, डिस्ट्रीब्यूटर कहता है ओ जी मैं काम केवल लास्ट कूट के साथ करता हूं, और लास्ट कूट ने मेरी कर दी टेंशन कम और कमाई ज्यादा। एक्चुअली लास्ट कूट ऐसा करता कैसे है, इसने कर लिया FSN एनालिसिस, ये मैं लीडरशिप फनल में डिटेल में समझाता हूं, फास्ट स्लो नॉन मूविंग। आपका कौन सा कपड़ा फास्ट बिकता है, कौन सा स्लो बिकता है, कौन सा नॉन मूविंग बिकता है, जो फास्ट है उसको ज्यादा स्टॉक कर लिया और जो स्लो है उसको स्टॉक कम रखा, और जो नहीं बिकता वो मैं भी नहीं रखता। अब देखिए ईआरपी लाने से
ऑर्डर में ना गड़बड़ी नहीं है, ये नहीं कि उन्होंने मांगा 42 साइज तो मैंने 36 भेज दिया, जो मांगा वही पहुंचता है और डिलीवरी मैकेनिज्म और ट्रैकिंग तेज है, आफ्टर सेल सर्विस भी इसलिए तेज है क्योंकि इन हाउस कॉल सेंटर बना दिया इन सब चीजों को इंटीग्रेट करने में, रिटेलर भी खुश, डिस्ट्रीब्यूटर भी खुश। चौथा पॉइंट है अफोर्डेबल डिजाइनर वेयर विद इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये बड़ा कमाल का पॉइंट है। अफोर्डेबल और डिजाइनर साथ नहीं हो सकते, ये ऐसे हैं जैसे उत्तर दक्षिण, ये ऐसे हैं जैसे पूरब पश्चिम। अफोर्डेबल मतलब सस्ता जो आपके बजट में आ जाता हो, डिजाइनर मतलब जो बड़ा कमाल का हो जी, सो देखने में आदमी बड़ा स्मार्ट लगता हो। लेकिन ये दोनों को साथ में जोड़ा कैसे, इन्होंने बल्क में प्रोडक्शन करके कॉस्ट को नीचे ले आए। सोचो एक लड़का है बेचारा अपनी शादी के लिए कपड़े खरीदने जा रहा है, शोरूम में घुसता है, कपड़े बड़े पसंद आते हैं उसको लेकिन रेट उसके बजट में नहीं है, दूसरे शोरूम में जाता है और रेट बजट में है दूसरे वाले में लेकिन कपड़े ही पसंद नहीं आते, आए हाय क्या कपड़े पड़े। और तीसरे केस में दर्जी के पास जाता है, दर्जी को कहता है भैया आप बनाओ, आओ जी बाहू जी बिल्कुल बना देता हूं, और कितना पैसा लोगे, और मैं तो 10,000 रुपए में बना दूंगा। अच्छा चलो ठीक है, रेट तो कंट्रोल में आया, क्वालिटी भी कंट्रोल में आई, कितने दिन में दे दोगे जी, अगले हफ्ते शादी है। और नहीं भाऊ जी 2 महीने लग जाएंगे। और 2 महीने, ओए बड़ी मुश्किल से मानी है, 2 महीने में भाग जाएगी, फिर क्या मतलब तेरी शादी में आऊंगा पहन के। तो देखो कभी टाइम कंट्रोल में नहीं है, कभी कॉस्ट कंट्रोल में नहीं है, कभी क्वालिटी कंट्रोल में नहीं है। अब आएगा लास्ट कूट, लास्ट कूट क्या कहता है, आपको कपड़ा चाहिए मोबाइल ऐप पे देख लो रिटेलर के यहाँ, कपड़ा पसंद आ गया ऑर्डर करो, दूसरे दिन आपके पास कपड़ा पहुंच जाएगा। ईआरपी के कारण आपकी स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि सॉफ्टवेयर पे रियल टाइम डेटा आ गया। अब रियल टाइम डेटा आने से एक्यूरेसी बढ़ गई, एक्यूरेसी बढ़ने से टाइम लॉस नहीं होता, फर्स्ट टाइम राइट हो जाता है, मतलब जो भी कपड़ा निकालना है, जो भेजना है, जो आना है, मतलब कितने किसको कितना बिल करना है, किसके पैसे आ गए, किसके पैसे रह गए, फोरकास्टिंग कर सकते हो आप सॉफ्टवेयर को रखते ही। और गलतियां ना होने से ऑपरेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कंट्रोल में आ गई, जिसके कारण इनको इनका सामान सस्ता पड़ता है। पांचवा पॉइंट है एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट। इससे पहले मैं आपको टॉपिक याद दिलाना चाहता हूं, आप सबको याद करिए क्या टॉपिक था, कम लागत में करोड़ों कैसे कमाएं। बात ठीक है लागत तो कम लगेगी लेकिन दिमाग तो पूरा लगाना पड़ेगा ना, दिमाग कैसे लगाया, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट। अब लास्ट कूट अपने आउटलेट खोलने जा रहा है, पूरी तैयारी कर ली है, रोज फ्रेंचाइजी इनको फोन करता है, हाँ जी आपकी फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हैं, ओ लास्ट कूट से बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं। अब फ्रेंचाइजी खोलने के लिए छोटे छोटे शहरों की तैयारी कर ली है और उसका टैगलाइन क्या दिया है, सेलिब्रिटी ऑफ सेलिब्रेशन, ये हमने साथ बैठ के डिसाइड किया था जब मैं इनके साथ में कोचिंग कर रहा था ना, सेलिब्रिटी ऑफ सेलिब्रेशन। हर आदमी को सेलिब्रिटी बनने इच्छा है लेकिन सेलिब्रिटी बन जाए अपनी पूरी सेलिब्रेशन का, लेकिन खर्चा भी कम लगे। अब जो हमारा देश है उसमें बड़े सारे त्योहार हैं, राखी दिवाली दुर्गा पूजा पे कुर्ता पजामा चलता, ईद पे पठानी सूट कुर्ता पजामा चलता है, मैरिज पे शेरवानी, वेडिंग रिसेप्शन कॉर्पोरेट इवेंट पे सूट या ब्लेजर कोट चलता है, और जब आपकी एंगेजमेंट या शगन की पार्टी हो तो आप इंडो वेस्टर्न पहनते हैं। तो हर प्रकार के कपड़े का पूरा यूनिट अलग अलग बन जाएगा, यानी कि सेलिब्रेशन वेयर, किसी भी प्रकार की सेलिब्रेशन का कुछ भी सामान चाहिए, आपको ज्योति चाहिए, आपको पगड़ी चाहिए, आपको माला चाहिए, आपको इंडो वेस्टर्न चाहिए, जो सेलिब्रेशन से संबंधित जो कुछ भी है सब आपको लास्ट कूट पे मिलेगा। देखते ही देखते आगे आने वाले समय में ये लगभग 100 स्टोर्स खोलने जा रहे हैं, और वो भी कैसे खोलेंगे, फ्रेंचाइजी की इन्वेस्टमेंट पे दोबारा से फ्लाई लाइट, इसको क्या बोलते हैं एसेट लाइट। इस सब के लिए फ्रेंचाइजी सफल बनाने के लिए पहले प्रोसेस को स्ट्रांग करो, अगर आपके प्रोसेस टेक्नोलॉजी मैन पावर पीछे से बैकएंड सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स स्ट्रॉन्ग हो गया तो बाजू में आगे का और पीछे का बाकी सारा काम आपके साथ लोग जुड़ जाएंगे। फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी के रिलेशनशिप के लिए सारे अग्रीमेंट तैयार हो चुके हैं, पूरे प्रोसेस रेडी हो गए हैं कि हमारे बीच में क्या अग्रीमेंट होगा, पेमेंट का शेड्यूल कैसा रहेगा, डिजाइन स्ट्रक्चर, ग्लोस, साइनेज, अंदर बाहर पूरा 3D मूवी तैयार कर लिया है कि अंदर फ्रेंचाइजी का स्टोर कैसा दिखाई देगा, फ्रेंचाइजी के स्टोर के अंदर उसका ग्लो साइन बोर्ड कैसा होगा, ट्रायल रूम कैसा होगा, रिसेप्शन कैसा रहेगा, कैश काउंटर कैसा होगा, कपड़े हैंग कैसे किए जाएंगे, विजुअली कैसे दिखेंगे, लाइटिंग, सीलिंग, फैन, एयर कंडीशन कैसा, एक एक छोटी छोटी डिटेल तैयार कर ली। अब जिस जिसको धंधा बड़ा करना है, जिसको छोटे शहर में पैसा रेडी है, उसको बिजनेस करना है, इनका शोरूम खोलना है, वो फोन करेगा, हाँ जी लास्ट कूट से बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं, ओ जी मैं आपके साथ शुरू करता हूं, आ इस शहर में फ्रेंचाइजी खाली मुझको ही देना। अब इससे क्या है, अब फ्रेंचाइजी के पैसे पे बिजनेस और एक्सपैंड, तभी तो बोल रहा था एसेट लाइट फ्लाई लाइट। और हां एक मिनट, लास्ट कूट से जुड़ने के लिए मेरे को फोन मत करें, लास्ट कूट से जुड़ने के लिए लास्ट कूट को फोन करें, उनकी वेबसाइट पर नंबर ढूंढे और उनको कॉल करें, मेरे को फोन तो आप लीडरशिप फनल में आने के लिए करिए, अगर लीडरशिप फनल में आएंगे आपके बिजनेस में भी आ सकता है बड़ा जे कर्व। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे हम हजारों लॉस मेकिंग कंपनीज को प्रॉफिट मेकिंग बना चुके हैं। कॉन्टैक्ट करिए अपने काउंसलर को और पूछिए कि क्या आप भी अपना बिजनेस बड़ा कर सकते हैं, क्या आपको भी ऐसे मॉडल्स काम आ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है मुझसे पूछने आइएगा। और हां अगर आप 4 घंटे का छोटा इवेंट अटेंड करना चाहते हैं तो बाउंस बैक सीरीज के लिए अलग नंबर है, इस पर फोन करिए। अगर ये वीडियो पसंद आया
तो इसको जरूर लाइक करिए। और क्या आप इस प्रकार की और केस स्टडीज, जेक और बिजनेस आइडिया से केस स्टडी सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उनके लिए बनाऊंगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट नहीं किया, वीडियो आपसे मिस हो जाएगा, हो सकता है आपके लाइफ में जेक करना आए। शेयर करिए सारे कपड़ा व्यापारियों को और आसपास उन सबको जिनको इन 5 पॉइंट से मदद मिल सकती है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे यूट्यूब चैनल को नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप का वर्ल्ड में चैनल बनाने के लिए आप सबका हमेशा की तरह दिल से धन्यवाद।